20 साल में बहुत प्लान करके बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों, इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। यह एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दो, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक काम ये भी शुरू करिए, सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि आईएएस आईपीएस की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन आईएएस बन के दिखाएंगे, आईपीएस बन के।